हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल लर्न ओ मेनिया पर। मैं हुसैनी सर। आज हम आईटीआई बच्चों के लिए जो मैकेनिकल ग्रुप, जो ग्रुप ए में पढ़ते हैं, जो 2 इयर्स के कोर्सेज हैं, उनके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सब्जेक्ट का सेम 2 का पेपर जो 2017 की ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आया था, वो पेपर का सल्यूशन करेंगे। ये जो पेपर था, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये कंबाइंड पेपर था फॉर 125 मार्क्स का फॉर द ईयर 2017। अब आपको मालूम है ईयरली पैटर्न हो चुका है। अब आपका कैलकुलेशन का पेपर, सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर अलोन होगा, और ये पेपर होगा मैक्सिमम 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स के पेपर में से आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं पासिंग होने के लिए, वो होंगे 17 मार्क्स। सो चलिए ये पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इज 2025 मिलीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द साइड। सपोजिंग एक स्क्वायर प्लेट है, उसका एरिया हमें मालूम है, अंदर का टोटल एरिया हमें मालूम है, उसकी साइड फाइंड करना है। सो एरिया मालूम है, हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट के लिए फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर। एरिया हमें मालूम है 2025, मैंने एरिया के नीचे 2025 सब्स्टिट्यूट कर लिया, सामने साइड स्क्वायर एज इट इज। अब हमें पता करनी थी साइड, तो हमने साइड फाइंड करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है। ये साइड फाइंड करने के लिए स्क्वायर जो है ये हटाना होगा, इसके लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो साइड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025 बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2025 निकालना पड़ेगा। मैंने रफ वर्क करके ये 2025 को फैक्टराइज, देखो उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, आपको ये मेथड मालूम होनी चाहिए। सो प्राइम फैक्टर्स हम निकालते जाएंगे। 2025 का फाइनली जो फैक्टर्स निकले हैं वो 3 निकले थे, 4 बार 3 निकले थे। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए 2025 का मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 बार 3 लिखे हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा स्क्वायर रूट में जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसके हाफ कंसिडर करने पड़ते हैं, तो 4 बार 3 थे, हमने 2 बार कंसिडर किए हैं 3 स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और 2 5 फैक्टर्स आए थे, हमने 1 ही 5 कंसिडर किया है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 बन जाएगा 45। ये होगी स्क्वायर की साइड 45 mm। अब ऑप्शन ए बी सी डी में से 45 mm ऑप्शन सी पर है, सो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये तरीका है ये टाइप के सम्स, ये टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करने का। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, देखिए ये जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था उसकी प्रिंट बहुत लाइट थी, तो ये बार मैं क्वेश्चन पेपर बराबर से स्कैन नहीं कर पाया हूँ। आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाइल यूजिंग द साइन बार टू फाइंड आउट द एंगल्स, साइन ऑफ द एंगल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। ये है कुछ साइन बार, कुछ ऐसा दिखता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हाइट फाइंड करने के लिए यूज होता है, या एंगल फाइंड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट साइन बार यूज कर सकते हैं। तो साइन बार में साइन एंगल फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा रेशियो सही है ये पूछा हुआ है। अब साइन आपको पता है, साइन कोई भी एंगल की साइन, एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई भी एंगल की साइन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पर हम ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑप्शन में तलाश करें तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन बार को यूज करने के वक्त साइन ऑफ एन एंगल कैसे ढूंढेंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन, सो आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ।
हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एडवांटेज ऑफ रियोस्टैट ओवर पोटेंशियोमीटर इज डैश। देखिए ये फिगर में ये रियोस्टैट है और ये पोटेंशियोमीटर है। क्वेश्चन का मतलब है पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में रियोस्टैट के एडवांटेज क्या है, रियोस्टैट की क्या फायदे हैं। ठीक है, रियोस्टैट के क्या फायदे हैं पोटेंशियोमीटर के मुकाबले। ठीक है, ये अच्छा, ये दोनों जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ाने के काम आते हैं। सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रियोस्टैट या पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं। अब दोनों का काम लगभग लगभग सेम है। रियोस्टैट में दो टर्मिनल्स होते हैं कनेक्शन करने के लिए, पोटेंशियोमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन कनेक्शंस होते हैं। रियोस्टैट का फायदा ये होगा पोटेंशियोमीटर के मुकाबले कि रियोस्टैट ज्यादा करंट हैंडल कर सकता है एज कंपेयर्ड टू पोटेंशियोमीटर। ये है रियोस्टैट का फायदा, बाकी काम दोनों का सेम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रियोस्टैट कैन हैंडल हायर फ्रीक्वेंसीज। सेकेंड ऑप्शन बी है, रियोस्टैट इज मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट। थर्ड ऑप्शन है, रियोस्टैट कैन हैंडल मोर करंट। देखिए ये ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, रियोस्टैट कैन हैंडल मोर करंट। फोर्थ ऑप्शन डी था, रियोस्टैट वर्क्स बेटर विद डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है कि ये बेटर है या ये बेटर है डायरेक्ट करंट सप्लाई के साथ। सो यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, रियोस्टैट ज़्यादा करंट हैंडल कर पाता है पोटेंशियोमीटर के मुकाबले। सो आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करके, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वगैरह हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यूज। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही फैक्टर होंगे ये इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोटा मोटा तरीका क्या, इसका बेसिक तरीका क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का, जो लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म होगा, यहाँ पर प्लस टेन है, प्लस टेन के हम दो फैक्टर्स निकालेंगे और ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जो मल्टीप्लाई करके प्लस टेन आना चाहिए। सी साइन के साथ आप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस टेन मिले और इनको ऐड या सप्रैक्ट साइन के हिसाब से, अगेन ऐड या सप्रैक्ट करेंगे तो ये मिडिल टर्म माइनस सेवन मिलना चाहिए। सो प्लस टेन अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ मुझे आंसर मिल रहा है माइनस फाइव और माइनस टू। अगर हम माइनस फाइव एंड माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टेन मिलेगा और माइनस फाइव और माइनस टू ऐड करेंगे तो हमें मिडिल टर्म माइनस सेवन मिलेगा। सो माइनस फाइव एंड माइनस टू जो है वो हमारे फैक्टर्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सो फर्स्ट स्टेप, ये माइनस सेवन एक्स को स्प्लिट अप करके हमने क्या फैक्टर्स ढूंढे थे, माइनस फाइव और माइनस टू, ये हमें यहाँ लगाना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मिडल टर्म की साइन है, ये जो मिडल टर्म की साइन है ऑलवेज बड़े वाले फैक्टर को लगना चाहिए। ठीक है, कभी ये मिडल टर्म की साइन छोटे वाले फैक्टर्स को नहीं लगे। तो माइनस फाइव एंड माइनस टू ऐसे हमें ये फैक्टर्स मिले थे। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस सेवन एक्स को हमने स्प्लिट अप करके माइनस फाइव एक्स एंड माइनस टू एक्स लिखा है और प्लस टेन ये आखिर में प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो एज इट इज। अब ये दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकला एक्स, बचा है x माइनस फाइव। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं ये आप लोग एट स्टैंडर्ड से सीख रहे हो, ठीक है, आपने अपनी आईटीआई में भी सीखा होगा, इसके लिए मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। x कॉमन निकालेंगे, बचेगा x माइनस फाइव, यहाँ दोनों में माइनस टू कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर भी बचेगा x माइनस फाइव। अच्छा, ये प्लस था तो इसकी जगह मैंने माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज माइनस की साइन कॉमन निकली है।
अगर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट को खोलेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो फिर से ये मिल जाएगा. सो इक्वल्स टू 0 आगे एज इट इज. अब x माइनस 5 ये वन फैक्टर है, x माइनस 2 ये दूसरा फैक्टर है, इक्वल्स टू 0 एज इट इज. अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहा है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट x माइनस 5 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट x माइनस 2 0 होगा. सो अगर मैं x माइनस 5 0 लेता हूँ तो x इक्वल्स टू वैल्यू बन जाएगी 5. ये माइनस 5 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 5. और उसी तरीके से ये माइनस 2 को यहाँ अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू बन जाएगी 2. ये दो फैक्टर्स हैं जो हमें मिले हैं, x इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू 2. ये ऑप्शन हमें x की वैल्यूज यहाँ ढूंढनी है. देखिए ये सबसे पहला ये a ऑप्शन x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. बाकी दूसरे जो ऑप्शंस हैं उसमें वैल्यूज या साइंस मैच नहीं हो रही है. सो ये फोर्थ MCQ के लिए आंसर है ऑप्शन ए. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच इंस्ट्रूमेंट यू रेकमेंड टू यूज टू मेजर टेम्परेचर अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन है इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करेंगे तापमान मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जो टेम्परेचर 350 जो टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो. तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर से टेम्परेचर मेजर किया ही नहीं जा सकता. दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ थर्मामीटर. तीसरा ऑप्शन डी दिया हुआ पाइरोमीटर. चौथा ऑप्शन डी दिया हुआ है कैलोरीमीटर. ठीक है, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है. अगर 350 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो ये जो फिगर में बताया हुआ है ये स्पेशल टाइप का थर्मामीटर है कॉल्ड एज पाइरोमीटर. ये इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है हायर टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए. तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए पाइरोमीटर कहाँ है. पाइरोमीटर है ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी जो पाइरोमीटर है ये करेक्ट आंसर है ये MCQ के लिए. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ. हमारा नेक्स्ट MCQ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन. किसी कंडक्टर का से सपोजिंग ये एक वायर है, वायर एक कंडक्टर होता है. कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सके. तो अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा. ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, ये चार ऑप्शंस में से आपको पिक आउट करना है कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा. पहला ऑप्शन है अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये मटेरियल का डिक्रीज हो जाए. ये जो भी मटेरियल का कंडक्टर है, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर कुछ भी, अगर इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. सी, कोई भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होती है, कम हो ही नहीं सकती. अगर कॉपर है तो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है. एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है. सो ये पहला वाला तो टोटली गलत है. दूसरा है द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस. अगर ये कंडक्टर की हम लंबाई बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. यस, लंबाई बढ़ाने से अगर आप जितना लंबा कंडक्टर लगाते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस मतलब करंट रोकने की ताकत को रेजिस्टेंस कहते हैं. जितना लंबा आप कंडक्टर करेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. सो ये आंसर सही है, ऑप्शन बी जो है अभी तक मुझे सही मिला है. चलिए आगे देख लेते हैं ऑप्शन सी द सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस. ये कंडक्टर का जो ये सेक्शनल एरिया है, ये तरफ का एरिया, ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ मोटाई, जितनी मोटाई कम करेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ये भी सही है. आप जितना पतला कंडक्टर यूज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा. ठीक है, तो ये सी ऑप्शन भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन के मुकाबले बी जो है वो ज्यादा बेटर है. सी भी करेक्ट है. चलिए ऑप्शन डी देखते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ द वायर इंक्रीजेस.
अगर ये वायर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बिल्कुल गलत, ये भी गलत। अगर कंडक्टिविटी आप इंक्रीज करते हो तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। सो ये चौथा भी गलत है। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, जिसमें ऑप्शन बी और ज़्यादा करेक्ट है। हमें पिकआउट करना होगा ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस कंडक्टर का कब बढ़ेगा, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ए एस इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ शाफ्ट ऑफ डायामीटर 20 mm एंड 100 mm लॉन्ग। एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, इसकी लंबाई दी हुई थी 100 mm, मतलब हाइट दी हुई है 100 mm, और इसका डायामीटर दिया हुआ है, ये जो डायामीटर है ये दिया हुआ है 20 mm। हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था। ये होता है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये जो दो डायमेंशंस दिए हुए हैं डायामीटर एंड हाइट, ये मिलीमीटर्स में दी हुई है, तो सबसे पहले हम ये डायामीटर और हाइट को जो मिलीमीटर्स में है उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सो ये सम आपको थोड़ा रफ वर्क में करना पड़ेगा, ओरली नहीं हो सकता। डायामीटर दिया हुआ था 20 mm, 20 mm मतलब 2 cm। अब 2 cm का डायामीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायामीटर का हाफ, हो गया 1 cm। रेडियस इस शाफ्ट का होगा 1 cm और हाइट दी हुई थी 100 mm, तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए डिवाइड बाय 10 करके, तो आंसर आएगा 10 cm। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 ओरली ऐसे कर सकते हो, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रेडियस मिला है 1 cm और हाइट मिली है शाफ्ट की 10 cm। हम कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर अ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं 2πRh, तो 2 को हमने एज इट इज लिखा है, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह होगा 1 एंड हाइट की जगह होगा 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 × 22 = 44, 44 × 1 = 44 एंड 44 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे 440 मिलेगा। 440/7, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस के लिए 62.85 cm², 62.85 cm², आप यहाँ पर देखिए 62.85 तो नहीं है लेकिन 62.84 है, जो 85 से नियरली मोस्ट सेम है। सो कभी कभी आपको ऐसा राउंड ऑफ करके चेक करना पड़ेगा। हमें मिल रहा था 62.85 बिकॉज हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली है। हो सकता है 22/7 की जगह अगर मैं 3.14 पाई की वैल्यू लेता तो ये आंसर मिलता, ठीक है। बट वॉट एवर इट इज़, हम लोग रॉन्ग नहीं हैं, पाई हम लोग ने 22/7 लेके कैलकुलेट किया, 62.85 मिला है। यहाँ पर जो ऑप्शंस थे ए बी सी डी, उसमें नियर मोस्ट 62.84 cm² दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये आंसर ऑप्शन डी सही है इस एमसीक्यू के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्स की वैल्यू दी हुई है इफ एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, और वाई की वैल्यू दी हुई है वाई इक्वल्स टू बी टेन थीटा। ये यूज करके हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैंने जो पहला इक्वेशन दिया हुआ था एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा यहाँ लिखा है, इसको मैंने चेंज किया है सेक थीटा के फॉर्म में। ये ए को यहाँ पर इसके नीचे एक्स के नीचे लेके जाएंगे तो sec थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा, isn't it? तो मैंने वही यहाँ लिखा हुआ sec थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, और फिर यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर मुझे चाहिए,
तो मैंने x स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो sec स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मिला है। सो ये है sec स्क्वायर टीटा जो मिला है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन यूज करके। चलिए आइए बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ जो था y equals to b tan theta, मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने चेंज किया है tan theta के फॉर्म में, तो y के नीचे ये b चले जाएगा, y के नीचे आप b शिफ्ट कर दीजिए, होगा tan theta equals to y upon b, tan theta equals to y upon b आएगा, y upon b मुझे यहाँ देखिए अगेन स्क्वायर चाहिए था, y square upon b square, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, tan square theta will be equal to y square upon b square, हमने दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग किया है ऑन बोथ साइड्स ये लाने के लिए, ये फॉर्म में लाने के लिए। अब अपना नेक्स्ट स्टेप होगा जो वैल्यू हमें चाहिए थी x square upon y square minus y square upon b square, मैंने यहाँ लिखी x square upon a square की जगह मैंने लिखा है sec स्क्वायर a जो हमें यहाँ मिला था, और माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है tan स्क्वायर a जो हमें यहाँ सेकेंड इक्वेशन में मिला था। अब sec स्क्वायर टीटा माइनस tan स्क्वायर टीटा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की दूसरी आइडेंटिटी आप रिकॉल करें, ये देखिए ये दूसरी आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर टीटा, ये tan स्क्वायर टीटा आप ओरली ये तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर टीटा माइनस tan स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू, और यहाँ बचेगा खाली 1, तो याद रखिए sec स्क्वायर टीटा माइनस tan स्क्वायर टीटा की वैल्यू बन जाती है 1, और वही चीज़ मैंने यहाँ किया हुआ है sec स्क्वायर टीटा माइनस tan स्क्वायर टीटा, आंसर बन गया 1, और ये जो 1 आंसर आया है, अब मैं यहाँ ऑप्शंस में देखता हूँ ए बी सी डी में, ऑप्शन ए लिखा हुआ है 1 एज द आंसर, सो हमारे एमसीक्यू के लिए आंसर है ऑप्शन ए। सो ये तरीका है ये टाइप के सम सॉल्व करने का। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ 750 माइक्रो एम्पियर, देखिए ये साइन माइक्रो की है, माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू 11 किलो ओम ऑफ रेजिस्टेंस, एक 11 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और उसमें से कितना करंट फ्लो होके बह रहा है 750 माइक्रो एम्पियर, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा अगर करंट बह रहा है एक रेजिस्टर से, तो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर कितने वैल्यू का है 11 किलो ओम्स का, तो हमें खाली वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वोल्टेज का, सिंपल वाला फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों यूनिट्स अलग अलग सिस्टम में है, तो मैं दोनों को SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, माइक्रो एम्पियर को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो एम्पियर होगा, तो 750 जो आई है 750 माइक्रो एम्पियर उसको मैंने डिवाइड किया है 10 रेस टू 6 के साथ एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 750 अपॉन 10 रेस टू 6 ये आई की वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू हो गई एम्पियर में, और R की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 11 किलो ओम्स दिया था, 11 को मैंने मल्टीप्लाई किया है किलो ओम्स को, अगर आपको ओम्स में चेंज करना है ठीक है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम्स होती है तो किलो ओम्स को ओम्स में चेंज करना होगा, तो इसके लिए 11 को हम लोगों ने 10 रेस टू 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो बन गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू 3 ओम्स, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, सॉरी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई और ये करंट की वैल्यू हो गई, करंट हमने एम्पियर्स में चेंज किया है, रेजिस्टेंस जो है हमने ओम्स में चेंज किया है।
अब आपको इंडाइसेस के रूल्स पता होने चाहिए। देखिए ये जो इंडेक्स फॉर्म में 10^6 और ये है ऊपर इंडेक्स न्यूमरेटर में 10^3, तो ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 750 एज इट इज, 11 एज इट इज, ये 10^6 अगर हम डिवाइड करेंगे 10^3 को 10^6 के साथ, तो सिंपली डिवीजन के लिए यहाँ पर आप लास्ट में 10^3 - 6 आप ओरली कर दें, 3 में से -6 की कीजिए। अलजेब्रा में हमने इंडाइसेस के रूल्स यूज़ किए थे, इंडाइसेस के रूल्स पढ़े थे, उसके हिसाब से 3 - 6 बच गया 10^-3। 3 - 6 करेंगे -3 हो जाएगा, 750 एंड 11 एज इट इज़ रखा है मैंने, 750 एंड 11। अब ये 10^-3 है, उसको मैंने नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट होगा तो 10^3 हो जाएगा। ये इंडेक्स की साइन जो -3 थी, अगर मैं उसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो इंडेक्स की साइन चेंज हो जाएगी, बिकम्स 10^3, और 10^3 मतलब 1000। सो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 1000 लिखा है, 750 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 1000, 750 मल्टीप्लाइड बाई 11 कीजिए पहले और फिर उसे 1000 से डिवाइड कीजिए। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 8.25 वोल्ट। ये है आंसर, इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो ए बी सी डी ऑप्शन में देख सकते हैं आप 8.25 वोल्ट ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इस एमसीक्यू के लिए सही आंसर है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 18 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वेशन यूज करके फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको ढूंढनी है, दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, दो दो वेरिएबल में एक्स एंड वाई वेरिएबल है। अब ऐसे दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे रखेंगे। x के नीचे x की वैल्यू होगी, y के नीचे y टर्म होगा, तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ एडजस्ट किए हैं दोनों इक्वेशन। अब ये प्लस y है और ये माइनस y, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है आगे 1-1, तो जब कोएफिशिएंट सेम हो तो हम डायरेक्टली से स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोएफिशिएंट सेम है और ऑपोजिट साइन है, देखिए इसके आगे प्लस वन था, इसके आगे माइनस वन था, ये वाले वाई के आगे, तो अगर ऑपोजिट साइन होती है तो हम दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। अगर ये सेम साइन होती, चाहे प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर सेम साइन होती तो हम उस वक्त सब्ट्रैक्ट करते। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं ये तुम्हें आना चाहिए, अपनी आईटीआई में आपने पढ़ा होगा। सो मैं यहाँ पर जस्ट रफली कर रहा हूँ। सो क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है वाई टर्म की, तो मैं ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, प्लस वाई और माइनस वाई अगर ऐड करूँगा तो ये दोनों कट जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइन। एक्स प्लस एक्स, 2x बचेगा और यहाँ इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 18 प्लस 2 करेंगे 20 बचेगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें मिला है 2x equals to 20, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x यहीं पर आपको रखना है, 2 को इसके नीचे 20 के नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 20 अपॉन 2। अब इसके आगे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा और 2 10 जा होगा 20, तो x equals to 10 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मिल गई 10। ये x की वैल्यू मिलने के बाद, ये x की वैल्यू आपको ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में x की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू जो 10 मिली है वो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैंने ये पहला इक्वेशन लेकर x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, यहाँ x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। आप चाहिए तो दूसरा इक्वेशन जो है वो भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 यहाँ लिया है, x की जगह मैंने 10 लिखा, प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 18 एज इट इज,
फिर y इक्वल्स टू ये जो 10 है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा 18 की तरफ y की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो y इक्वल्स टू 18 माइनस 10, ये प्लस 10 यहाँ जाएगा तो माइनस 10 लिखना होगा, एंड 18 माइनस 10 कितना हुआ भाई 8, y इक्वल्स टू 8, ये y की वैल्यू का आंसर मिल गया। तो आंसर मिला है x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 8, और वही हमें पूछा हुआ था x एंड y की वैल्यू। अब बताइए x 10 और y 8 कहाँ है, x पहले आना चाहिए 10 और y बाद में आना चाहिए 8। देखिए ये वैल्यू x 10 पहले है और y जो है 8 बाद में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर है 10th वाले के लिए ऑप्शन सी। सो ये तरीका है MCQs सॉल्व करने का, कैलकुलेशन के MCQs हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। मैं ये पेपर को दो पार्ट्स में सॉल्व करूँगा, पहला पार्ट ये होगा और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले प्लीज़ अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी चैनल लर्न ओ मेनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ ये वीडियो जब आप देखते हैं तो वीडियो पर लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक बटन दबा दिया कीजिए, इससे मेरी चैनल की ग्रोथ होने में मदद होगी। यूट्यूब के ऊपर मेरी चैनल काफ़ी ग्रो होगी आपके लाइक बटन दबाने से। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सी मेरी बहुत सारी वीडियोस, मोस्टली सारी वीडियोस पार्ट्स वाइज होती है, तो अगर आपने एक वीडियो देखी आपको दूसरा नोटिफिकेशन आएगा तो आप लिंक वाइज दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं ये पेपर का सेकेंड पार्ट लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, एंड थैंक यू ऑल पीपल वेरी मच।